एशियन फंड वन ने अपने एक साल कामयाबी के बड़े शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया है। 15 अगस्त 2023 को गुलबर्गा शहर के हुमनाबाद रोड पर एशियन फंड वर्ल्ड ओपन हुआ था। इस बार 15 अगस्त को एक साल मुकम्मल होने पर लोगों का ढेर सारा प्यार मिलने के बाद काफ़ी ग्रैंड पैमाने पर फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर बच्चों के लिए कार्निवल गेम्स, स्पेशल मैजिक शो और म्यूजिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया था और सबसे खास यहाँ फायरवर्क रहा जिसको लोगों ने खूब इंजॉय किया है। इस मौके पर एशियन फंड वर्ल्ड से जनाब फराज रफी साहब ने तमाम डिटेल बताते हुए कहा, आने वाले दिनों में यहाँ वाटर पार्क को और बड़े पैमाने पर एक्सटेंड किया जाएगा और साथ ही दीगर राइड्स के अलावा यहाँ वेव पोल भी लॉन्च किया जाने वाला है। और फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर मजीद फराज रफी साहब ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। बस यानी कि दो नाइन वाले आए हैं तो ये से टाई यहाँ पे पहले भी नाइन वाले हैं तो आई थिंक वी हैव चार नौ के बच्चे। आप पेट में दो थाले हमारे बच्चों के लिए। एशियन फन वर्ल्ड की पहली एनिवर्सरी एक साल कंप्लीट हो चुकी है, उसी चीज को चलते हैं हमारा पहला कॉन्टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैन वी हैव द म्यूजिक मुजाहिद, कम ऑन, रेडी, 1 2 3 इन आउट इन इन इन, वेरी गुड, आउट इन। दोनों थाले हमारे बच्चों के बैलेंस तो सर चलिए, थैंक यू सो मच दोनों थाले हमारे सभी किड्स के लिए। थैंक यू सो साहब और करीम उछाले साहब ने उस टाइम पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था एशियन मॉल का, तो हम यहाँ पर आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एशियन फंड वर्ल्ड में आने के बाद भी कि एशियन मॉल का ही एट्रियम ये लग रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया क्योंकि एशियन में ही वो चीज का तासुर बना हुआ है। बोले सर बिल्कुल, तेरे ख्वाब सजा ले रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुख खुशाम। कॉमन ऑडियंस क्लैप करिए प्लीज, ऑनर कॉमन ऑडियंस क्लैप। आप वेरी गुड, माय गॉड, ये टर्निंग पॉइंट है आज का, ये टर्निंग पॉइंट, ऐसा बोलो, वेरी गुड। तो जल्दी कौन ने बोला यार, सर देखो ये देखिए जोश, हां देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बहुत चले नमाज का टाइम हो चुका है, हम मैजिक स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर।
गुलदाशिप वन वर्ल्ड ने सक्सेसफुली एक साल कंप्लीट किया, इसके लिए मैं गुलबर्गा के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारे कस्टमर्स का कि उन्होंने वन वर्ल्ड को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। हमारा जो टारगेट था, हमारा एम ये था कि गुलबर्गा के लिए एक ऐसा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बनाए जो कि कम्प्लीट हो अपने आप में और साथ में अफोर्डेबल भी हो। इसीलिए हमारे पास एडवेंचर है, अम्यूजमेंट है, वाटर पार्क है, फूड कोर्ट भी है, वेजिटेरियन फूड कोर्ट है जो जिसमें आपको मेट्रो लेवल का चार्ट मिलता है और एक अच्छा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट भी है। और इसके साथ साथ फन वर्ल्ड के अंदर में कंटिन्यूसली हम लोग कोशिश ये रहती है कि कस्टमर फीडबैक के हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहें। कस्टमर का क्या फीडबैक आता है, क्या सजेशंस आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यूसली इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो आप देखे होंगे कि ओपनिंग से लेके आज तक हमने काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। जैसे डैशिंग कार पहले गे मार्केट के अंदर हुआ करता था और सिर्फ 4 डैशिंग कार थे, तो कस्टमर फीडबैक के हिसाब से हम लोगों ने उसको बाहर किया और हमने 8 उसके अंदर डैशिंग कार्स कर दिए हैं। साथ में गो कार्ट है, उसके अंदर में फैमिली कार्ट की बहुत डिमांड आ रही थी तो हमने डबल सीटर कार्ट्स हमने ऐड किए। और हमने जो है 3 मेजर अम्यूजमेंट राइड ऐड की, जैसे फ्लाइंग चेयर है और आपका ब्रेक डांस है और डिस्को कोस्टर है। और इसके अलावा गेम मार्केट के अंदर भी हमने 10 गेम्स ऐड किए। ये कंटिन्यूसली एक अपग्रेडेशन का प्रोसेस फन वर्ल्ड के अंदर लगा रहता है जो कस्टमर फीडबैक के हिसाब से। इसी सिलसिले में एक वाटर पार्क फेज 2 भी का भी काम चल रहा है जिसके अंदर में एक वेव पूल आने वाला है और वेट बबल करके एक फीचर है जो कि साउथ इंडिया में किसी वाटर पार्क में नहीं है। और एक फनल स्लाइड आने वाली है जो कि साउथ इंडिया में सिर्फ 2 या 3 वाटर पार्क्स में मौजूद है। जैसे कंटिन्यूसली एक प्रोसेस हमारे पास चल रहा है जो हम ऐड करने वाले हैं, न्यू गेम्स ऐड करते रहेंगे। मैं पब्लिक का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमको काफी अच्छा सपोर्ट किया, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।